हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालवाट क्लास में। तो समय व्यर्थ ना करते हुए अगले जो है विस्तार के साथ प्रश्न शुरू करती हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले बेल आइकन दबा लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए, एनएस बिंद्रे क्या थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी चित्रकार सही हो जाएगा, वे एक चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बिंद्रे की नारी आकृतियाँ हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बसोहली, इनमें से मतलब कोई भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बिंद्रे की नारी आकृतियाँ बड़ौदा शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं, तो इसीलिए जो है बड़ौदा शैली की, इनमें से किसी की भी नहीं है। चलिए अब के हैबर के बारे में पढ़ते हैं। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है तो रेखात्मक है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या है देख लेते हैं। के हैबर यानी कटिंगेरी कृष्णा हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली रेखात्मक है। इनके रेखा चित्रों में रूपाकार लयात्मकता दिखाई पड़ती है, चाहे वे चित्र सादे हों या फिर जटिल। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। के हैबर का जन्म दक्षिणी कर्नाटक के एक छोटे से गांव में वर्ष 1911 में तथा मृत्यु 85 वर्ष की अवस्था में वर्ष 1996 में मुंबई में हुई ड्रॉट फेस्टिवल इन ए स्लम विक्टिम्स आदि हैबर के प्रमुख चित्र हैं। ये वर्ष 1980 में ललित कला अकादमी के चेयरमैन तथा वर्ष 1990 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के अध्यक्ष रहे हैं। ये वर्ष 1961 में पद्मश्री तथा वर्ष 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी के हैबर सही हो जाएगा। चलिए अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली? तो यहाँ पे अजंता एलोरा के चित्रों से मिली, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1934 में जब अमृता शेरगिल भारत आई तो उन्हें भारतीय लड़कियाँ नामक चित्र पर नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। वर्ष 1936 से 37 के मध्य उन्होंने समस्त भारत का पर्यटन किया और सर्वप्रथम उन्होंने अजंता के विशाल तथा भव्य भित्ति चित्रों को देखा और भारतीय कला तथा जीवन से प्रभावित हुई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्र हैं वधू का श्रृंगार, गणेश पूजा, श्रावण कोर के बालक, स्त्रियां, नील वासना इत्यादि इनके विषादमय चित्र हैं। भिखमंगे ग्रामीण तथा निजी चित्र उनके चित्रों की लाल तथा पीले रंगों का सशक्त और आत्म अभिव्यंजक प्रयोग है। उन्होंने स्वयं कहा था, रंगों को मैं पूछती हूँ। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा? तो अजंता चित्रों का पड़ा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई तो पेरिस में पाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमृता शेरगिल के चित्रकला की शिक्षा पेरिस में प्राप्त की गई। उनकी प्रारंभिक कलाकृतियों में पेरिस के कुछ कलाकारों का प्रभाव साफ झलकता है। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा प्रसिद्ध कला शिक्षक ल्यूसिन सिमोन से प्राप्त की। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई? तो ऑप्शन नंबर बी पेरिस में पाई। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हंगरी सही हो जाएगा, हंगरी में हुआ। इनकी माँ भी हंगेरियन थी। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी की बुडापेस्ट में हुआ था। इनके पिता भारतीय तथा माता हंगेरियन थी। उन्होंने भारतीय कला में आधुनिक आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। अजंता गुफाओं की वॉल पेंटिंग से वे प्रभावित थी। उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर यूरोपीय तैल चित्रण तकनीक के लिए पेरिस में शिक्षा प्राप्त की। 5 दिसंबर 1941 को लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, अमृता शेरगिल चित्र बनाने के साथ साथ पियानो और वायलिन भी बजाती थी। वर्ष 1938 में वे हंगरी लौटकर अपने ममेरे भाई विक्टर ईगन से विवाह किया।
पति पत्नी 3 वर्ष व्यतीत करने के बाद भारत लौटे और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे गांव सरसरिया में निवास करने लगे। वर्ष 1941 में शेरगिल और उनके पति लाहौर में निवास करने के लिए गए, जहां 28 वर्ष की अवस्था में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था तो हंगरी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल की माँ थी तो हंगेरियन थी, मतलब हंगरियन थी, वो हंगरी की थी इसलिए उनको हंगरियन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी तो लाहौर में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी विषाद सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। उनके चित्रों में उदास, दुखी, बड़ी आंखें, खाली सीढ़ियाँ, दुबली पतली उंगलियाँ, निराशा और खालीपन दिखता है। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया, तो यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेरिस में बनाया था। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। वर्ष 1921 में अमृता शेरगिल का परिवार शिमला आया और वहां से अमृता शेरगिल अध्ययन करने के लिए वर्ष 1924 में अपनी मां के साथ फ्लोरेंस यानी इटली चली गई। 16 वर्ष की अवस्था में वे अपने गंतव्य स्थान से पहले ग्रैंड चाउमिरे तथा बाद में इकोल डिस बियोक्स आर्ट्स गईं। अमृता ने पेरिस में एक स्टूडियो की स्थापना की, लेकिन कलाकार विवान सुंदरम तथा भारतीय परंपरा उन्हें भारत की तरफ खींच लाई। उनकी कृतियों में 3 गर्ल्स ब्राइट्स टॉयलेट प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था तथा किंतु अंतिम उत्तर कुंजी में इन प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमृता शेरगिल ने। इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्राच्य तथा पाश्चात्य कला के मध्य संतुलन स्थापित करती हुई नए रूपाकारों की तलाश में निम्नग्न मौलिक संश्लेषण की अग्रदूत के रूप में कला के विभिन्न पड़ावों को पार करती हुई शीघ्र ही अपनी मंजिल पर पहुंचने वाली एकमात्र चित्रकार अमृता शेरगिल का नाम कला जगत में हीरक के समान दमकता है। परंपरागत भारतीय चित्रकला वित्तीय चित्रण तथा पाश्चात्य कला प्रविधियों एवं प्रवृत्तियों के मेल से इन्होंने मौलिक शैली की नींव रखी, जिसमें विषय भारतीय और विदेशी शैली इनका आधार बनी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प बी माना, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसका सही विकल्प सी माना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह कौन सा आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है, तो अमृता शेरगिल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था, तो जामिनी राय ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंगरियन जिप्सी गर्ल 1932 किसका चित्र है, तो अमृता शेरगिल का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हंगरियन जिप्सी गर्ल का चित्र अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया है, जो हंगरी के जिबे गेरी गांव में ग्रीष्म अवकाश में वर्ष 1932 में पूर्ण हुआ है। यह चित्र उस समय पूर्ण हुआ जब वे हंगरी में ठहरी हुई थी। अगला प्रश्न है, बाल वधु किसकी कृति है, तो अमृता शेरगिल की है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी भी थोड़ी व्याख्या है, ज़्यादा सी है, पढ़ लेते हैं। भारतीय कला को आधुनिकता की ओर मोड़ देने में अमृता शेरगिल ने महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतीय साधारण जनजीवन संबंधित उनके चित्रों में
मदर इंडिया, हिल मैन, हिल वुमेन, भूख की त्रासदी अभिव्यक्त करते हैं, बालिका वधु तथा अछूत बालिका नामक इनके चित्रों में गोंगा की ताहिती कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तीन बहनें पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, केले बेचते हुए हाट जाते हुए ब्रह्मचारी, गणेश पूजन, टू वुमेन, ग्राम्या दृश्य, आराम, दक्षिण भारतीय, हल्दी पीसती औरतें, सिख गायक, विश्राम करती स्त्री, हाथी का स्नान इनके प्रमुख चित्र हैं। अमृता शेरगिल कहा करती थी, कला का संबंध आत्मा से है। गोंगा की ताहिती कला ने अमृता शेरगिल को सर्वाधिक प्रभावित किया। अमृता शेरगिल ने पेरिस कला महाविद्यालय बियॉक्स आर्ट्स में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की। अमृता शेरगिल ने कला शिक्षक ल्यूसिन सिमोन के निर्देशन में कार्य किया। अमृता शेरगिल भारतीय कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर तथा नंदलाल बोस की कला से प्रभावित थी। आर्ट एंड एप्रिसिएशन इंडियन आर्ट टुडे तथा ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया अमृता शेरगिल की कृतियां हैं। तो साथियों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्न विस्तार के साथ इसी के साथ समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से सुने हो। रिपीट पर ज़रूर देखिएगा, अध्ययन करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और जो है शेयर भी करिए जिनको इस तरह के वीडियोस चाहिए हो। और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।